नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस डिस्कशन में आपका स्वागत है। हो सकता है दोस्तों आवाज आज थोड़ी सी रेवरबरेट कर रही हो, थोड़ी सी उतनी क्लियर ना आ रही हो। उसका रीजन ये कि ऑडियो जैक में शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई। शाम तक मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा लूंगा, अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए। कौन कौन सी न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो कल जो न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि भाई यूएस के जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है दलीप सिंह, इन्होंने इंडिया को वार्निंग दी है कि कंसीक्वेंसेस होंगे। क्या वार्निंग दी, इसके बारे में मैंने कल डिटेल में वीडियो बनाई, आप वो देख लो। एक दो पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे। फिर अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई एफ्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिजीम के अंदर जितने इलाके कवर होते हैं ना, उनको कम किया जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बहुत बड़ी डिमांड है लंबे समय पे कि भैया एफ्सपा को हटाओ। रिसेंटली नागालैंड की मोन डिस्ट्रिक्ट में जो एक इवेंट हो गया था कि कुछ माइनर्स को एक एंटी आप कह लो मॉइस्ट ऑपरेशन में मार दिया गया था। हमारी आर्म फोर्सेस को लगा कि वहां पे शायद मॉइस्ट जा रहे हैं और वो एक्चुअली आम आदमी थे। तो इस प्रकार की झड़प के चलते एफ्सपा के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति एक प्रकार का आप कह सकते हो रिजेंटमेंट आ गई है लोकल लोगों में। तो एफ्सपा को कुछ इलाकों से हटा देना एक बड़ा प्रायोरिटी रही है केंद्र की सरकार की। और अभी अमित शाह जी की तरफ से एक ऐसा अनाउंसमेंट भी आ रहा है, क्या अनाउंसमेंट है इसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट भाई, तमिलनाडु के अंदर जो वनियार कोटा दिया गया था 10.5% का 20% में से, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट गोज फास्टर डिलीवरी ऑन ऑर्डर्स। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक न्यूज निकल के आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कॉन्विक्ट्स को मतलब कुछ लोगों को बेल दे दी, वो लोग आगरा में जेल में बंद थे। अब ये बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जब तक नहीं पहुंचे पुलिस ऑफिसर्स के पास या प्रिजन ऑफिसर्स के पास आगरा में, तब तक उन लोगों को जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या मजाक चल रहा है यार, हमने यहाँ पे डिसीजन दे दिया है, हमारा ऑर्डर क्या कौवा उड़ा के लेके जाएगा, क्या पिजन लेके जाएगा, क्या हमारा ऑर्डर वहां पर डिलीवर करने के लिए आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में। तो फास्टर नाम का एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है एट द इंटरवेंशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मैकेनिज्म क्या है इसको देखेंगे। फिर चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाइस को अपने दोस्ती का एक बेंचमार्क माना है। देखिए क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल स्टेबिलिटी चल रही है, इमरान खान की कुर्सी ऑलमोस्ट जा चुकी है, तो ऐसे समय पे चाइना से भी सवाल पूछे गए कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर आपको क्या बोलना है। तो चाइना की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, मिलिट्री के कंटेक्स्ट में क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है इसको देखेंगे। फिर ओडिशा की चिल्का लेक में डॉल्फिन पॉपुलेशन के नंबर्स थोड़े से गिरे हैं, बट ओवरऑल डॉल्फिन पॉपुलेशन के नंबर बढ़े हैं। कौन सी डॉल्फिन पॉपुलेशन के नंबर गिरे हैं, इरावदी डॉल्फिन के नंबर गिरे हैं, ओवरऑल डॉल्फिन के नंबर बढ़े हैं। देखेंगे कौन सी डॉल्फिन कितनी है चिल्का लेक में। और ये जो रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना में अफगानिस्तान को लेके, तीसरी रीजनल कॉन्फ्रेंस है, इसमें इंडिया इनवाइटेड नहीं था। इस रीजनल कॉन्फ्रेंस में अलग से 3 कंट्रीज मिली, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, और उन्होंने बोला कि हम आपस में मिलके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। कैसे कोऑपरेट करेंगे इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इतनी न्यूज है। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। वर्ड ऑफ द डे, पहला वर्ड ऑफ द डे है ओबीशियांस। ओबीशियांस मतलब आप समझ सकते हो कुछ ओबे से रिलेटेड बात हो रही है, रिस्पेक्ट फॉर एंड विलिंगनेस टू ओबे समबडी समथिंग, मतलब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो और ओवरऑल अगर वो आपसे कुछ कहता है तो आप उसकी बात मानोगे। आज्ञा का पालन, सम्मान, आदर, मतलब आपके अंदर से किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए रिस्पेक्ट। एक चीज तो होती है किसी ने डांट के बोला आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं, जो आप बोलोगे बाढ़ में जाओ, नहीं मान रहा बात। और वहीं पे अगर कोई इंडिविजुअल आपसे आके कुछ कहता है और आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसके लिए चीजें कर देते हो, आप उसके प्रति इंडेप्टेड फील करते हो, तो इसको आप बोलते हो ओबीसीएस। ओके, यहां पे देखिए लिखा है द एक्शन ऑफ मूविंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड और बेंडिंग द हेड टू शो रिस्पेक्ट फॉर समबडी समथिंग, समझ गया ना। मतलब अब जैसे जापान में झुक के ग्रीट किया जाता है, हम लोग यहाँ पे झुक के जैसे कि हम बड़ों के पैर छूते हैं हिंदू कल्चर में, तो क्या है हम ओबीसीएस दिखा रहे हैं, किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। चलिए पहली न्यूज, यूएस डेप्यूटी एनएसए वॉन्स इंडिया ऑफ कंसीक्वेंसेस। भैया डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इंडिया को वार्निंग दी है कि अगर किसी भी प्रकार से यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज ने जो भी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, रशिया की सेंट्रल बैंक के ऊपर, उनके पेमेंट मैकेनिज्म को सबवर्ट करने के लिए, अगर इन सैंक्शंस को स्किप करने की कोशिश करेगा कोई भी देश, तो उसके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, यूएसए उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, ऐसा दलीप सिंह ने यहां पे बोला है। तब खास बात यहां पे ये कि सर्जेई लेवरोव रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनसे मिलेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब भी उनसे मिलेंगे। वांग यी आया था चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, मोदी जी मिलने गए नहीं थे। अब यहां पे ये बात होगी कि भाई
इस यूक्रेन वॉर के चलते जो भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे तो उन सैंक्शंस को सबवर्ट करके हम रशिया से थोड़ा सामान खरीद सके। अब यूएस हमें प्रेशराइज कर रहा है कि आप इनसे सामान मत खरीदो। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है कि भाई ऑल आउट प्रेशर अगेंस्ट रशिया, इसको फॉलो करो। अब बेसिकली किस तरीके से, कौन सी फाइव चैनल अप्रोच के थ्रू यूएस ने रशिया को दबा करने की कोशिश की है यूक्रेन वॉर में, तो यूएस का यहां पे क्या एजेंडा है कि भाई एक फाइनेंशियल शॉक दे दो रशिया के सबसे बड़े बैंकों को, और जो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर में रशिया को, उनको बंद कर दो। प्लस रशिया को इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर से निकाल दो। यहां पे आपने डिमांड सुनी होगी कि G20 से रशिया को निकालने की डिमांड चल रही है, G8 से तो रशिया को क्रीमियन पेनिनसुला का जब एनेक्सेशन किया था रशिया ने तभी निकाल दिया गया था। फिर भाई इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से जो भी प्रिविलेजेस होते हैं कंट्री के पास पैसा बोरो करने के, तो रशिया के प्रिविलेजेस यहां पे छीन लो, और रशिया का जो स्टेटस है लीडिंग एनर्जी सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड, इसको डाउन कोड कर दो। अब ये जो चौथा वाली अप्रोच है ना यूएस की, इस पर्टिकुलर अप्रोच को सीधे सीधे वॉयलेट कर रहा है इंडिया। 2021 में इंडिया ने टोटल रशिया से 16 मिलियन बैरल्स ऑयल खरीदे हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 2021 में हमने जिन बाकी कंट्रीज से ऑयल खरीदा था वो ऑयल हमको सस्ता मिल रहा था, अब इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ऑयल हो गया है महंगा, और रशिया से मिल रहा है हमको ऑयल डिस्काउंट पे, तो हमें तो रशिया से लेने में फायदा है ना। तो जब से ये स्ट्रगल शुरू हुआ है, लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन रशिया की, तब से हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनर्स 13 मिलियन बैरल ऑफ रशियन ऑयल का ऑर्डर प्लेस कर चुकी हैं। अब यूएसए इस बात को लेकर भड़बड़ा गया है। यूएसए को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर अब तक आप मान लीजिए रशिया से एक साल में 16 मिलियन बैरल खरीद रहे थे, तो इस साल भी आप 16 मिलियन बैरल या 20 मिलियन बैरल तक खरीद लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां पे डर इस बात का है यूएसए को कि इंडिया कहीं 100 मिलियन बैरल, कहीं 200 मिलियन बैरल ऑयल ना खरीद ले किससे, रशिया से, क्योंकि वो यूएस के सैंक्शंस के अगेंस्ट चला जाएगा, वो यूएस की ओवरऑल स्ट्रेटजी के अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए हर तरीके से यूएस यहां पे इंडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि भाई आप तेल मत खरीदो, आप एनर्जी इंपोर्ट मत करो रशिया से, हम आपकी मदद करेंगे चीजों को प्रोक्योर करने में। हालांकि अगर यूएसए से इंडिया चीजें खरीदता है या बाकी इंटरनेशनल मार्केट से खरीदता है तो हमको महंगा पड़ेगा। ऑलरेडी ईरान के मुद्दे को लेके हम लोग यूएस के साथ हो चुके हैं, ईरान के सैंक्शंस को हमने सपोर्ट किया, और आज की डेट में इंडिया ईरान के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे एक समय पे हो सकते थे। फिर मिस्टर दलीप सिंह ने यह भी बोला कि रशिया चाइना का जूनियर पार्टनर है, कल की डेट में चाइना एलएसी के मुद्दे को लेकर इंडिया पे अटैक करता है तो रशिया मदद करने के लिए नहीं आएगा। इस प्रकार की धमकियां दी हैं, सीधे सीधे धमकी नहीं दी है, जर्नलिस्ट के साथ जो प्रेस मीट होती है उसमें यह धमकी दी है दलीप सिंह ने, सीधे सीधे जयशंकर साहब के सामने बैठ के धमकी दे, इतनी तो देखिए हिम्मत नहीं है। इंडिया एक स्पेशल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना चुका है जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री लीड करेगी कि कैसे रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस को हटा के हम उसके साथ यहाँ पे ट्रेड कर सके। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पेमेंट भी रूपी रूबल मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो रूपी रूबल मैकेनिज्म है ना, ये एक टाइम के बाद सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाता है कि मान लीजिए हमने ओवरऑल चाइना से कुछ खरीदा, तो उस केस में सॉरी हमने रशिया से कुछ खरीदा, मान लीजिए कोई डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा, यहाँ पे रशिया इंडिया की बात हो रही है, तो रशिया चाहेगा कि हम उनको रूबल में पेमेंट कर दें, हम चलो उनको रूबल में पेमेंट कर दें। बाद में कल की डेट में हम रशिया से कुछ खरीदते हैं तो रशिया हम चाहेंगे कि हमें INR रूपी में पेमेंट कर दे, तो यहाँ पे रूपी और रूबल दोनों की डिमांड बढ़ेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि रूबल की इंटरनेशनल वैल्यू बहुत नीचे चल रही है, बहुत कम चल रही है, इसके चलते रशिया को नुकसान हो सकता है। तो रूपी रूबल एग्रीमेंट में एक लिमिट से ज्यादा नीचे गिरे हुए रूबल के प्राइसेस के ऊपर रशिया क्या इंडिया के साथ इंगेज करना चाहेगा, ये भी ग्राउंड लेवल पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकल के आती है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि रशिया इंडिया को बोल रहा है कि यार युआन करेंसी में ट्रेड कर लेते हैं। अब इंडिया युआन करेंसी में ट्रेड करेगा तो वो इंडिया के लिए एक डूब मरने वाली बात है, क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं ये आप जानते हो। तो ये सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी तब आएगी जब सर्जेई लेवरोव आके बातचीत करके चले जाएंगे और जो भी बातचीत हुई उसके बारे में डिटेल्स बाहर निकल के आएंगे। GS पेपर 2 International Relations and Effect of Policies of Developed Countries over India's Interest में न्यूज काम आएगी। अगली न्यूज है एरिया अंडर एफ्सपाई रिजाइम रिड्यूस्ड। शाह साहब ने बोला है कि जो नागालैंड आसाम मणिपुर के इलाकों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, इसके अंदर जितना भी इलाका कवर होता है इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। एग्जैक्टली कितना रिड्यूस किया गया है, कौन सा इलाका हटा है एफ्सपा के रजीम से, इसके बारे में डिटेल्स आगे निकल के आएंगी। कई बार एफ्सपा के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि इसको मिसयूज किया गया है सेवरल टाइम्स। पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज को मेंटेन करने के लिए एफ्सपा लगाया जाता है। यहाँ पे अमित शाह जी का ये बोलना है कि अब सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हमें एफ्सपा लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम में नवंबर 1990 में एफ्सपा लगाया गया था और उसके बाद से हर 6 महीने पे इसको एक्सटेंड किया जाता है राज्य की सरकार के द्वारा, यू नो, एक रिव्यू करके। रिसेंटली ही एक एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाया गया था दिसंबर 2021 में नागालैंड में, जिसके चलते 13 सिविलियंस की मृत्यु हो गई वहां पे। यू नो, पहले तो 6 सिविलियंस की मृत्यु और उसके बाद आर्मी और ओवरऑल जो सिविलियंस उनकी लड़ाई हो गई। तो ये सब तरीके की चीजें ना हो ग्राउंड लेवल पे, और ये सब चीजें जब हो जाती हैं तब एफ्सपा के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि भाई ये मिलिट्री पर्सनल सिविलियंस को मार के चले जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। 26 दिसंबर को सेंटर ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसको लीड कर रहे थे सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग एफ्सपा इन नागालैंड। इस कमेटी को 3 महीने की ओवरऑल ये डेडलाइन दी गई थी और ओवरऑल शायद इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया कि भाई एफ्सपा को कुछ इलाकों से कम करेंगे। और ये जरूरी भी है क्योंकि जब एफ्सपा जैसे लॉस को आप कुछ इलाकों से हटाओगे तो वहां पे जो लोग हैं उनको लगेगा कि हाँ भाई केंद्र की सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है, और खुद वो कम्युनिटी लेवल पे इस बात की कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा डिस्टर्बेंस ना हो जिससे सरकार फिर से मजबूर हो जाए एफ्सपा लगाने को। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पहले भी कई बार कोशिश हुई है एफ्सपा को हटाने की। 2004 में जीवन रेड्डी कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, जिसने ये रिकमेंड किया था कि भाई एफ्सपा को रिपील कर देना चाहिए। उसके बाद एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी इसको एग्जामिन करने के लिए। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी और जीवन रेड्डी कमेटी की रिपोर्ट को मोदी गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया। अभी के लिए जो कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, इसको लीड कर रहे थे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया विवेक जोशी। इसमें एडिशनल सेक्रेटरी टू द यूनियन होम मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नागालैंड भी थे, डीजीपी आसाम राइफल्स भी थे। मोस्ट प्रॉब्ली इस कमेटी ने भी कुछ जगहों से एफ्सपा हटाने की रिकमेंडेशन दी होगी, तभी सरकार की तरफ से डिसीजन निकल के आ रहा है कि हम एफ्सपा को कुछ इलाकों से हटा देंगे। एग्जैक्टली किन इलाकों से हटाएंगे उसको अभी हम कुछ आने वाले दिनों में जब भी न्यूज निकल के आएगी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक और चीज, सरकार ने इंटरनल स्टेबिलिटी लाने के लिए और ओवरऑल जो ट्राइबल वॉर्स होते हैं, जो बहुत लंबे समय से इश्यूज चल रहे हैं लोगों को, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पिछले कुछ सालों में बहुत से अकॉर्ड्स और एग्रीमेंट साइन किए हैं। जैसे बोदो अकॉर्ड हुआ था जनवरी 2020 में, ये जो बोदो प्रॉब्लम चल रही थी, बोदो इंसर्जेंसी चल रही थी 5 डेकेड से, इसको सॉर्ट आउट किया गया है आसाम में इसके थ्रू। फिर एक कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट हुआ 4 सितंबर 2021 को, कार्बी रीजन ऑफ आसाम में जो प्रॉब्लम चल रही है इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अगस्त 2019 में साइन हुआ था NLFTSD एग्रीमेंट, त्रिपुरा की जो आप कह लो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ट्राइबल वॉरिंग ग्रुप्स, उनको शांत करने के लिए। फिर 16 जनवरी 2020 को एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया गया 23 साल पुराने ब्रू रियांग रिफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर जो ब्रू कम्युनिटी के लोग हैं 37,000 लोगों को रीसेटल किया जाएगा त्रिपुरा के अंदर। और अभी रिसेंटली आसाम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, 70% बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व कर दिया गया, 12 में से 6 पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया, बाकी भी सॉल्व करने के प्रोसेस में अभी हम चल रहे हैं। तो ओवरऑल इस केंद्र की सरकार ने जो ट्राइबल इश्यूज है, खासकर नॉर्थ के इलाके में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके में जो ट्राइबल इश्यूज है, उनको मिशन मोड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, बहुत हद तक हम सक्सेसफुल हुए भी है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में ये पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन तमिलनाडु 10.51 ईआर कोटा। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले तो आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि तमिलनाडु के अंदर किस कम्युनिटी को कितना कोटा दिया गया है। 1994 का ये जो स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट है, जिसको आप एक्चुअली में बोलते हो तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट एक्ट 1993, जो कि इनएक्ट हुआ था 1994 में। इस पर्टिकुलर 1994 वाले एक्ट में तमिलनाडु के अंदर जो रिजर्वेशन है ना, वो है 69% पे। जी हाँ, देश में सबसे ज्यादा रिजर्वेशन कहां पे है, तमिलनाडु में। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, इसको 9th शेड्यूल में पेश किया गया। तो चूंकि ये 9th शेड्यूल में पेश किया गया, इसका रिव्यू भी नहीं होता है। अब ये जो 69% कोटा दिया गया, इसमें बैकवर्ड क्लासेस के पास रिजर्वेशन है 30% का, और इन बैकवर्ड क्लासेस में कुछ क्रिश्चियन और मुस्लिम ग्रुप्स भी आते हैं। फिर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, इसका रिजर्वेशन है 20% का, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है 18% का, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है 1% का। और ये जो अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, इन ग्रुप्स के अंदर अलग अलग कास्ट को नोटिफाई किया जाता है समय समय पर। ठीक है भाई, अब ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के पास जो रिजर्वेशन है 20% का, ऐसी लगभग 115 आप कह लीजिए कास्ट हैं तमिलनाडु के अंदर। अब हुआ ये कि जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 115 क्लासेस या फिर कह लीजिए कास्ट आती हैं,
इन 115 कास्ट में से एक कास्ट है वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी। ये अलग बात है कि वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी की जो अमाउंट ऑफ आबादी है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में वो बहुत ज्यादा है, और उस आबादी के आधार पर 10.5% का इंटरनल रिजर्वेशन दे दिया गया वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को। इस रिजर्वेशन के अमेंडमेंट एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था AIADMK की सरकार के समय पे, जब DMK पावर में आई वो इस रिजर्वेशन लॉ को एक्सेप्ट कर रहे थे, इसको अपोज नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रिजर्वेशन लॉज को अपोज नहीं करती है, क्योंकि अगर वो रिजर्वेशन लॉज को अपोज करेंगी तो पर्टिकुलर कम्युनिटी उनके अगेंस्ट वोट देगी। अब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे ये बोलना है और कहीं ना कहीं मद्रास हाई कोर्ट का भी ये बोलना है कि यार एक बात बताओ, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस वाला ये जो कोटा है इसके अंदर टोटल 115 कास्ट है, इस 115 कास्ट में से एक कास्ट वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी, इसको तुमने 10.5% रिजर्वेशन दे दिया, और बाकी बची हुई 114 कास्ट को यार तुम 9.5% रिजर्वेशन दोगे, तो ये कैसे जस्टिफाइड हुआ? ये तो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। तमिलनाडु की सरकार क्या बोल रही है कि साहब अगर आप परसेंटेज का देखोगे अमाउंट, परसेंटेज मतलब पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देखोगे, तो ओवरऑल मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो वो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी पे। तो जो राज्य की सरकार है तमिलनाडु की, वो अपने डिसीजन को इस बात पे जस्टिफाई कर रही है कि वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी की जो आबादी है मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर वो बहुत ज्यादा है, इसलिए रिजर्वेशन देना जरूरी है, ये बैकवर्ड भी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो ये 1994 का जो एक्ट है इसके बेसिस पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट दोनों ने एक बात बोली कि जो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को आपने रिजर्वेशन दिया है ना, इसके लिए जो डाटा आप हमारे सामने पेश कर रहे हो वो एंटीक्वेटेड डाटा है, और उस एंटीक्वेटेड डाटा के बेसिस पे हम आपका रिजर्वेशन अलाउ नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की एक ही चीज बोलनी है कि अगर आप किसी एक कम्युनिटी को रिजर्वेशन देते हो तो रिजर्वेशन देने के लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, और जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के लिए सामने रखे गए हैं वो एंटीक्वेटेड है, बहुत पुराने हैं, उनको इस समय पे एडमिसिबल नहीं माना जा सकता। ये मद्रास हाई कोर्ट ने भी बोला था और ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बोल रही है। तो अब डाटा अगर एंटीक्वेटेड है तो डाटा कहां से आएगा? तो अब बात आ गई कास्ट सेंसस की। हमेशा से इतने लंबे समय से जो बातें चल रही है कि भाई कास्ट सेंसस कंडक्ट कराओ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, अभी यूपी के इलेक्शन में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो बोल रहे थे कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाओ। बेसिकली कास्ट सेंसस की डिमांड इससे फिर आगे बढ़ेगी कि अगर वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन पुराने डाटा के आधार पर किया गया और वो डाटा पुराना है तो फिर नया डाटा लाओ। नया डाटा कैसे आएगा? कास्ट सेंसस से आएगा। फिर से केंद्र की सरकार के ऊपर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा कि कास्ट सेंसस कंडक्ट करो, और जब कास्ट सेंसस कंडक्ट होगा तब मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत जनरल टर्म से। एक बार कास्ट सेंसस कंडक्ट हो गया और अलग अलग कास्ट का डाटा बाहर निकल के आ गया, रिजर्वेशन की डिमांड भयंकर तरीके से बढ़ेगी, ठीक है ना। ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो कि बेसिकली रीजनल पार्टीज को बिलोंग करते हैं और किसी एक कास्ट के बेसिस पे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है, वो रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे। तो एक बीजेपी जैसी पार्टी और इवन एक कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए कास्ट सेंसस कंडक्ट करवा के ओवरऑल रिजर्वेशन दे पाना है काफी मुश्किल काम है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टीज किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के वोट के बेसिस पे थ्राइव नहीं करती, वो ऑल इंडिया पॉपुलेशन के वोट के बेसिस पे थ्राइव करती है जिसमें सब धर्म के लोग सारी कास्ट के लोग होते हैं। तो एक नेशनल पार्टी के लिए कास्ट सेंसस करा के कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन देना मुश्किल है, लेकिन एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के लिए कास्ट सेंसस का कंडक्ट करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अपने रीजन में कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन देके वो काफी वोट खींच सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वनिया कुला क्षत्रिय कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया 10.5% का मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, आर्बिट्रेरी बोल दिया है, आर्टिफिशियल बोल दिया है, इवेजिव बोल दिया है, और इस रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, 1994 का जो एक्ट है मतलब जिसमें 69% रिजर्वेशन दिया गया तमिलनाडु के अंदर, ये एक्ट सलामत है, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि राज्य की सरकार चाहे तो इस 1994 के एक्ट में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती है जो कि इस एक्ट के रिस्पेक्ट में एंसिलरी है। अब आप बोलोगे एंसिलरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, वो मशीन काम कर रही है, अब उस मशीन में कुछ खराबी हो गई, कोई छोटा सा स्पेयर पार्ट खराब हो गया तो आपने दूसरा स्पेयर पार्ट लाके लगा दिया, मतलब उस मशीन की ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए कुछ एंसिलरी स्पेयर पार्ट्स आपने बगल में रखे हैं, जब वो बंद हो जाएगी तुम लगा देंगे। उसी प्रकार से 1994 का जो रिजर्वेशन एक्ट है इसमें समय समय पर जो भी खामियां हैं, इन खामियों को सॉर्ट आउट करने के लिए राज्य की सरकार के पास ताकत है कि वो 1994 के एक्ट को अमेंड कर सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये 1994 का एक्ट 9th शेड्यूल में पेस्ट है, ठीक है भाई। तो ये डिटेल न्यूज है। वनियार कम्युनिटी के बारे में ऑलरेडी एक
न्यूज बनी हुई है चैनल पे वन ईयर मूवमेंट, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मार दीजिए, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी इस मूवमेंट के बारे में। जीएस पेपर ऑन पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में न्यूज काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है चिल्का लेक की डॉल्फिन पॉपुलेशन गिर रही है। बेसिकली इरावदी डॉल्फिन की पॉपुलेशन चिल्का लेक में गिर रही है, ओवरऑल आबादी बढ़ रही है। अभी क्या सेंसस कंडक्ट कराया गया डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा में। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ इन्होंने बोला है कि भाई जो नंबर ऑफ डॉल्फिन्स हैं ओडिशा के अंदर वो 2021 में 544 थी और 2022 में 726 हो चुकी हैं। और सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन्स पाई गई हैं ओडिशा में वो मैनग्रोव वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ राजनगर ज्यूरिसडिक्शन में पाई गई हैं, जहां पे 540 डॉल्फिन्स पाई गई हैं 2022 में। 2021 में यहां पे 342 डॉल्फिन्स पाई गई थी। राजनगर में बॉटल नोज डॉल्फिन पहले 22 थी अब 135 हैं। हमबैक डॉल्फिन्स पहले 281 थी अब 332 हैं। टोटल डॉल्फिन्स कितनी दिखी हैं आपकी ओडिशा के अंदर, तो इरावदी, बॉटल हाउस, हमबैक, स्ट्राइप, फिनलेस, स्पिनर डॉल्फिन्स। तो ये कुछ डॉल्फिन्स के टाइप्स हैं, याद रखिएगा। जो सबसे आप कह लो बेंचमार्क डॉल्फिन है, सबसे ज्यादा देखे जाने वाली डॉल्फिन है, वो इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन का नंबर चिल्का लेक जो कि ओडिशा में पाई जाती है वहां पे कम हुआ है। चिल्का लेक पूरी दुनिया में वो एक लैगून है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। 2021 में चिल्का लेक में 162 इरावदी डॉल्फिन थी, इस साल 151 इरावदी डॉल्फिन है। मतलब चिल्का लेक के अंदर इरावदी डॉल्फिन का जो नंबर है वो यहाँ पे गिरा है। फिर चिल्का लेक के अंदर बॉटल नोज डॉल्फिन्स का जो नंबर है वो भी 2021 में 26 था, 2022 में 16 है। अभी के लिए ओडिशा में टोटल 208 इरावदी डॉल्फिन्स हैं। इन डॉल्फिन्स को काउंट करने के लिए जिस मेथड का इस्तेमाल किया गया वो है लाइन ट्रांजैक्ट सक्सेस मेथड। उस मेथड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, समझ में आ जाए तो समझ में आ जाए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इस मेथड को समझाने मुझे भी 10 मिनट और चला जाएगा, उतना टाइम है नहीं। तो अभी के लिए लाइन ट्रांजैक्ट सक्सेस मेथड याद रखिएगा, कभी और समय मिला तो समझाऊंगा। अब इरावदी डॉल्फिन्स के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है ऑर्सेला ब्रेविट्रोसिस। कोस्टल एरियाज में पाई जाती है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। म्यांमार की इरावदी नदी रिवर, इंडोनेशिया बोर्नियो की महाकम रिवर और मेकोंग रिवर चाइना में पाई जाती है। इंडेंजर्ड है एज पर IUCN रेड लिस्ट। अगर दुनिया की एक कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है तो वो है बांग्लादेश। 6000 से ज्यादा इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है बांग्लादेश में। टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया में इन इरावदी डॉल्फिन्स की लगभग 7500 से थोड़ा कम ही मान लीजिए। और अगर दुनिया में कोई एक ऐसा लैगून है जहां पे सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स पाई जाती हैं इरावदी की, तो वो है चिल्का लैगून। जिस पेपर थी बायोडाइवर्सिटी में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज, सुप्रीम कोर्ट गोज फास्टर ऑन डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स। देखिए यहां पे एक फास्टर नाम का मैकेनिज्म लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसका नाम है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉर्मली लॉन्च किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन उस जजमेंट की ई कॉपी जितनी भी इंटेंडेड पार्टीज उनको भेज दी जाएगी। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को खुद के पर्सनल आप कह लो इंटरवेंशन पे शुरू करवाया किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब ने। लास्ट ईयर हुआ ये, लास्ट ईयर जुलाई में कुछ प्रिजनर्स को बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। तब उनकी बेल के जो हार्ड कॉपी ऑर्डर्स होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रिजन ऑफिशियल्स तक पहुंचे नहीं। प्रिजन ऑफिशियल्स ने बोला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की हार्ड कॉपी हमारे पास नहीं आती, हम इन इंडिविजुअल्स को छोड़ नहीं सकते। मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। एनवी रमन्ना साहब ने बोला, यार ये क्या मजाक हो रहा है, अब क्या कौवे पिजन उड़ के जाएंगे, क्या क्रोज उड़ के जाएंगे, क्या हमारा ओवरऑल आप कह लो ये मैसेज लेके, पुराने जमाने में रेवन बोला जाता था उनको अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो। तो यहाँ पे फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। तो मान लीजिए किसी की बेल पिटीशन आई, वो जो कैदी है वो आगरा जेल में बंद है, तो यहाँ पे जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास होगा, एक फास्टर मैकेनिज्म के थ्रू एक सिंगल बटन से वो ऑर्डर्स इंटेंडेड, मतलब आगरा जेल के ऑफिसर्स के पास पहुंच जाएगा। अगले दिन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करो, बेल जिसको भी दी गई है उनको छोड़ दो। तो एक नई टेक्नोलॉजी, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई है फास्टर नाम की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब के इनिशिएटिव पे। फुल फॉर्म क्या है इसका, फास्टर एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जीएस पेपर 2, फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगी। अगली न्यूज है चाइना पाक अफगानिस्तान एग्री टू बूस्ट थ्री वे टाइज। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान की जो आसपास की कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को यहाँ पे इनवाइट किया गया, उसकी एक मीटिंग हुई। कहाँ पे, चाइना के अंदर। कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे सबसे खास बात ये थी इस मीटिंग में कि तीन कंट्रीज ने अलग से बैठ के बातचीत की, एक थी चाइना, दूसरी थी अफगानिस्तान, तीसरी थी पाकिस्तान। चाइना पाकिस्तान वो दो ऐसी कंट्रीज थी, तालिबान जीता भी नहीं था अफगानिस्तान के अंदर, उसके पहले से ही चाइना पाकिस्तान आपस में अरेंजमेंट कर रहे थे कि भाई हम इस तालिबान रिजीम के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखेंगे।
अभी रिसेंट हुई मीटिंग के दौरान जी जिनपिंग साहब ने बोल दिया कि भाई हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो, स्टेबिलिटी हो, डेवलपमेंट हो, केओस ना हो, ऑर्डर हो, इस तरीके की बातें यहाँ पे की गई। ओवरऑल चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों मिलकर अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे चाइना का ऑब्जेक्टिव बहुत सही है कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अफगानिस्तान तक पहुंचाओ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक पहुंचाओ, अफगानिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, वगैरह वगैरह बातें यहां पे कही गई। थोड़ा बहुत इन्होंने यूएस को भी क्रिटिसाइज किया कि जो भी डिसऑर्डर है, रीजनल इंस्टेबिलिटी है, ये यूएस की वजह से फैलाई हुई है, वगैरह वगैरह, जो भी पैसा वगैरह है इसको रिलीज करो, ये सब बातें लिख रखी है। तो एक छोटी सी न्यूज़ से डिस्कस कर ली, जीएस पेपर टू इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स में चीज आपको काम आएगी। फिर चाइना ने बोला है कि पाकिस्तान मिलिट्री के साथ जो हमारे रिश्ते हैं ना, ये मेन स्टे है टाइस के। तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसको लेके जब चाइना से सवाल पूछा गया तो यहाँ पे चाइना ने बोल दिया कि हम नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को मानते हैं, पाकिस्तान हमारा फ्रेंडली नेबर है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सारी पार्टीज यूनाइटेड रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर डेवलपमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। चाइना ने बोला है जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन रहे हैं पाकिस्तान चाइना के बीच में, इससे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। चाइना इस समय पे J-10C फाइटर जेट्स भी दे रहा है पाकिस्तान को। चाइना बोल रहा है कि वी आर ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स, और खासकर पाकिस्तान के मिलिट्री के साथ मिलके एक लंबे समय से हमारे रिश्ते डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में भी अच्छे थे, आगे आने वाले समय में भी हम मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप्स के साथ यहाँ पे रिश्ते अच्छे रखना चाहेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान में जो मिलिट्री है और चाइना पाकिस्तान की जो मिलिट्री टाइज हैं, ये पूरे रीजन के स्टेबलाइजर की तरह काम करते हैं, इस प्रकार की बातें ओवरऑल यहाँ पे बोल रखी हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, वहाँ पे चाइनीज ऑफिशियल्स और उनके प्रोजेक्ट्स को सेफगार्ड करने में मिलिट्री एक मेजर रोल प्ले करती है, तो मिलिट्री के साथ टाइज तो चाइना को रखने ही पड़ेंगे। तो जीएस पेपर टू के रिस्पेक्ट में न्यूज है, वैसे उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एंड इफ पॉसिबल फ्रेंड्स क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए।